Hello friends, welcome to my channel Shankar Sar's Humanities. In this video we will discuss the Cold War era. This is the second video of that chapter. In this video we will discuss what is Cold War and what are the factors that lead to Cold War. Chalo discuss karte hain. The first question, that is, what is Cold War? तो आपका मन में क्या आता है? आपको पूछा जाता है कोल्ड वार, तो आपका मन में क्या आता है? ओके, तो कोल्ड वार मींस द कॉन्फ्लिक्ट, द टेंशन, द कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन टू सुपर पावर्स. टू सुपर पावर्स कौन कौन थे? यूएसए एंड यूएसएसआर. तो आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे? कोल्ड वार मींस द कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन एंड कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन टू सुपर पावर्स बैक बाय देयर रेस्पेक्टिव आलीज. उनका जो दोनों का जो आली थे, दोनों का जो फ्रेंड्स थे, ये इनको भी बैक करते थे. मेरे पास समझ में आ गया? आप सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे, कोल्ड वार means the conflict, confrontation and tension between two superpowers backed by their respective allies. Okay, तो ये हो गया आपका कोल्ड वार. उसके बाद हम देखते हैं what are the factors that lead to cold war. तो पहला फैक्टर क्या है, हम अभी देखेंगे. factors lead to cold war. Okay, क्या-क्या फैक्टर है? The first factor is the two superpowers, emergence of two superpowers. वर्ल्ड में दो superpower आए, तब हुआ cold war. कौन दो superpower थे? USA and USSR. If there will be more than one superpower, then there will be no cold war. If there will be only one power, then there will be no competition. तो इसलिए cold war का पहला reason क्या है? ना, two superpowers. Emergence of two superpowers. दूसरा और क्या है cold war का reason? The second reason is the ideological difference. तो ये जो दोनों सुपर पावर्स थे, इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था. कि जो यूएसए एंड यूएसएसआर थे, उनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था. द कोल्ड वॉर इज नॉट ओनली ए पावर राइवलरी बिटवीन टू सुपर पावर्स, देयर वाज आल्सो ए कॉन्फ्लिक्ट, ए आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम. USA thought that capitalism and democracy is the best ideology. On the other hand, USSR was thinking that communism and socialism is the best ideology. तो इसको लेके भी दोनों के बीच में conflict चल रहा था. तब हुआ cold war. तो second factor आपका हो गया. और क्या factor है? ना, nuclear weapons. भाई, both the superpowers they hold nuclear weapons. दोनों सुपर पावर के पास न्यूक्लियर वेपन्स था. Hence no one wanted to attack other. तो इसलिए एक दूसरे को अटैक नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था if there will be any war then it will be a न्यूक्लियर वार. तो इसीलिए दोनों के बीच में वार नहीं होता था. ओके, तब होता था कोल्ड वार, नहीं तो क्या होता? हॉट वार हो जाता, डायरेक्ट वार हो जाता, रियल वार हो जाता. मेरे बात क्लियर? फिर हम आगे चलते हैं. तो नेक्स्ट और क्या हो सकता है? और क्या फैक्टर है? ना, लॉजिक ऑफ डिटरेंस. लॉजिक ऑफ डिटरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉजिक ऑफ डिटरेंस बार बार पेपर में आता है आपका, एक मार्कर्स में भी, दो मार्कर्स को भी. और तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ना है. और जब 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो उसके अंदर एक पॉइंट है आपका लॉजिक ऑफ डिटरेंस. तो कैसा लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या है? लॉजिक ऑफ डिटरेंस रेफर्स टू, या लॉजिक ऑफ डिटरेंस मींस बोथ दी सुपर पावर्स या बोथ दी पावर्स हैव एनफ कैपेबिलिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट ईच अदर. दोनों जो सुपर पावर्स थे, उनके पास इतना पावर था, वो एक दूसरे को अगेंस्ट में रिटेलिएट कर सकते थे. जब एक दूसरे को वो रिटेलिएट कर सकते थे, तो इसीलिए क्या होता था? उनके बीच में वार नहीं होता था. तो एक दूसरे इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि वार इनिशिएट करने के लिए, क्योंकि उनको पता था मान लो हम एक वार करेंगे तो दूसरा पार्टी भी हमारे साथ वार करेगा, और दूसरा पार्टी वार करेगा तो हम इसको ये जो प्रॉब्लम हमें क्रिएट करेगा या जो वो हमें अटैक करेगा उसको हम झेल नहीं पाएंगे. तो इसलिए एक दूसरे के साथ वार नहीं करते थे. आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज लॉजिक ऑफ डिटरेंस, आप क्या लिखेंगे? बोथ दी सुपर पावर्स हैव पावर टू रिटेलिएट अगेंस्ट ईच अदर, हेंस नो वन वांटेड टू इनिशिएट वार. दैट इज लॉजिक ऑफ
डिटरेंस, ओके, तो लॉजिक ऑफ डिटरेंस की वजह से कोल्ड वार होता था, हॉट वार नहीं होता था। और क्या है नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ दी पार्टीज, जो दोनों सुपर पावर के साथ जो अलायंसेस थे ना, वो अलायंसेस भी क्या थे ना, रेस्पेक्टिव बिल, वो रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाते थे। रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर मीन्स दैट डोंट डू एनीथिंग व्हिच कैन लीड टू कोल्ड वार, सॉरी व्हिच कैन लीड टू ए हॉट वार, ठीक है। तो वो ऐसे कुछ नहीं करते थे जिसकी वजह से क्या हो जाए, दोनों मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्ल्ड वार थ्री हो जाए या एक वार न्यूक्लियर वार शुरू हो जाए। तो ये भी वन ऑफ द रीजन है फॉर कोल्ड वॉर, ओके। तो दीज आर द फाइव फैक्टर्स दैट लीड टू कोल्ड वॉर। क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज कोल्ड वॉर एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू कोल्ड वॉर, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज शेयर माई वीडियो सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ आवर क्लासेस। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम अहेड।